नमस्कार दोस्तों संधु एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर मैं पर आप सभी का वेलकम करता हूं दोस्तों आज हम आए हैं हरियाणा गुड़गांव अमित भाई के बेल्जियन मेनोलॉयस चैनल पर ये पिछले काफी टाइम से बेल्जियन मेनोलॉयज ब्रीड पर काम कर रहे हैं तो दोस्तों आज हम इनके चैनल पर सुबह सुबह आए हैं तो यहाँ पर अभी ट्रेनिंग भी चल रही है तो चलिए मिलवाते हैं आपको अमित भाई से और दिखाते हैं इनके शानदार बेल्जियन मेनोलॉइज अमित सर बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका हमारे थैंक यू सबसे तो पहले आप छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन मेरा नाम अमित है और मैं बडी पेट कुड़गांव जो कैनल है उसका ओनर हूँ जी जी और हम काफ़ी टाइम से बेल्जियम मेलनोइस ब्रीड कर रहे हैं जो आज हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ पे अपने डॉग्स जी जी।, जी सर कितना टाइम हो गया आपको सर मुझे तो टाइम तो अगर लगाए दस तो बारह साल हो चुके हैं डॉग्स ब्रीडिंग में और बेल्जियम मेलनोइस करते हुए सात आठ साल हो गए हैं बेल्जियम मेलनोइस छः सात साल से मैं कर रहा हूँ जी जी ना कैनल का भी एरिया कितना है कैनल uh, ज्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि हमारा अगर हम देखें डी एल फेज फाइव में है ये कोर्स रोड पे तो uh, ये ऑलमोस्ट 800 गज के आसपास में बना हुआ कैनल है तो अभी अपने पास कितने डॉग्स और कौन कौन सी देखो यहाँ पे मैं ब्रीड के बारे में मैं आपको बता दूँ मैं मोस्टली बेल्जियम मेलनोइज ही ब्रीड करता हूँ कुछ मेरे पास डच चपड़ हैं मगर मेरा जो फोकस है वो बेल्जियम मेलोइज पे ही हमेशा रहता है क्योंकि आज हम देखें मेरा फोर्सेज के साथ भी काफ़ी काम चलता है तो वो बेल्जियम मेलनोइज ही ज़्यादा पसंद करते हैं और मेरे को ख़ुद को भी पर्सनली बेल्जियम मेलनोइज बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसी मैं बेल्जियम मेलनोइज में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ अभी आप देखोगे मेरे पास ये एक ब्लैक फीमेल है मेरा बेल्जियम मेलनोइज दूसरी ये फीमेल है और डॉग पीछे है कैनल में है जैसे आप धीरे धीरे अभी यूज़ करेंगे तो मैं आपको एक एक करके अपने कुछ डॉग्स दिखाऊंगा बेल्जियम की ब्रीड है ये नाम से ही आपको पता लग रहा होगा बेल्जियम मेले तो बेल्जियम का ही ओरिजिन है इस ब्रीड का और बहुत ज्यादा एक्टिव ब्रीड है। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा एक्टिव ब्रीड है थोड़ा इसके बारे में थोड़ा और बताइए देखो मैं आपको एक बात बताऊँ ये आ, जो ब्रीड है वर्किंग ब्रीड है ठीक है <laughs> और ये मोस्टली जो है इंडिया में अगर हम देखें तो इसको फोर्सेज ही सबसे ज़्यादा जो है यूज़ करती हैं क्योंकि ये आप फोर्सेज इसको मल्टीपर्पज़ काम में इसको इस ब्रीड को यूज़ कर सकते ठीक है और इस ब्रीड में मैं बताऊँ डिजीज़ फ्री ब्रीड है बिल्कुल हर तरह से डिजीज़ फ्री ब्रीड है खाने में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है और जैसे हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे गर्मी भी काफ़ी रहती है अगर तब गर्मी होती है ठंड होती है तो ठंड बहुत ज़्यादा रहती है तो ये हर एक वेदर में माइनस डिग्री में भी ये माइनस एक डिग्री या उससे नीचे भी टेम्परेचर में भी आराम से सर्वाइव करता है और फोर्टी फोर्टी प्लस डिग्री टेम्परेचर में भी ये तो आराम से सर्वाइव कर लेता है ये डॉग तो कोई ऐसी ज़्यादा इसके साथ वो नहीं है इस ब्रीड के साथ जैसे आपने बताया बीमारियाँ जी जी तो आपको काफी टाइम इसके साथ जी जी काम करते जी 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 तो आपने कोई ऐसी क्रिटिकल बीमारी फेस करी सर देखो बीमारी का तो ऐसा है कि अगर बीमारी है तो कुछ हो सकती है मगर ये अगर हम देखें तो नेचुरली ये इतने स्ट्रांग डॉग होते हैं कि इनको डिजीज ना के बराबर है इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है ब्रीड भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है वर्किंग ब्रीड का मतलब ये है सर अगर वर्किंग ब्रीड बीमार रहेगी और ये सारी चीजें रहेंगी तो वो ब्रीड काम कैसे करेगी वो तो वेट के पास ज्यादा रहेगी काम करने का टाइम ही कहा होगा और स्ट्रांग इतनी ज्यादा है कि मैं मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बता देता हूँ मेरे जो डॉग हैं एक बहुत मतलब जो बड़े डॉग्स हैं छोटे बच्चे कभी अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो गई तो उनके साथ तो चलता है बट जो एडल्ट डॉग हैं तो मुझे ध्यान नहीं कि लास्ट टाइम मैंने उनको मेडिसिन कब दी हैं तो डिजीज फ्री एक तरह से कुत्ते और मैं बड़ा सेटिस्फाई हूँ इस चीज को लेके कि आ, डिजीज ना के बराबर है इन कुत्तों में जी जी तो जैसे आ, ये ब्रीड इजी टू ट्रेन है तो अगर कोई अपने लिए डॉग जी प्रेस्टे, जी 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 तो आप किन लोगों को सजेस्ट करेंगे देखो आ, हाँ मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैं आपको एक चीज बता देता हूँ अगर कोई आ, जो है आ, अपने घर के लिए इस डॉग को ढूंढ रहा है तो मैं उन लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूँ अगर उन लोगों के पास टाइम नहीं है इस डॉग के साथ टाइम बिताने के लिए इसकी एक्सरसाइज़ या करा ट्रेनिंग कराएं ट्रेनिंग नहीं करा सकते तो एक्सरसाइज इसको थोड़ा बहुत ज़रूर दें और उतना भी टाइम इनके पास नहीं है तो प्लीज़ इस डॉग को ना लें क्योंकि ये डॉग आपके लिए आने वाले टाइम में प्रॉब्लम ही बनेगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा आप इसको फिर कहीं छोड़ोगे या फिर कहीं अडोपशन के लिए डालोगे तो वो चीज़ें आपको प्रॉब्लम ही क्रिएट करेंगी तो अगर आपके पास टाइम है आप नो डाउट आप ट्रेनिंग नहीं करा सकते इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो आप, आप एक अच्छा डॉग चाहते हो और गार्डिंग के लिए डॉग चाहते हो ट्रेनिंग नहीं कराते हो मगर आपको इसके लिए थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा उसको घुमाने के लिए इसको दौड़ाने के लिए थोड़ी एक्सरसाइज की इसको रिक्वायरमेंट रहती है क्योंकि बड़ा एनर्जेटिक डॉग है और आप इसकी एनर्जी को यूज़ नहीं करोगे तो फिर ये आपके घर में कुछ चीज़ें काटेगा किसी स्ट्रेंजर को भोकेगा और कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है तो बेटर है कि अगर आपके पास टाइम है तभी इस डॉग को आप लें नहीं तो ना लें सर आप थोड़ा अपने कैनल की डाइट के बारे में बताइए देखो मैं तो अपने डॉग्स को नॉनवेज भी देता हूँ थोड़ा डॉग फूड भी देता हूँ बाकी डाइट का सबका अपना अपना रहता है बट मैं ये कहना चाहता हूँ इस डॉग को कुछ भी दो आप ये खुश हो हैप्पी होके खाता है अच्छा। खाने के साथ इस डॉग के को लेके कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती अब जो इसको देंगे प्यार से वो खा लेता है बट जो डॉग्स को दे सकते हैं ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी दे दिया भी। तो हम लोग तो नॉनवेज जैसे देते हैं मोस्टली तो वही ज़्यादा हम इनको करते हैं तो चलिए सर अब आपके डॉग्स देखते हैं और देखते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल तो अभी जैसे मेरे आ, आ, ट्रेनर हैं इधर मेरे एकदम भाई की तरह है एक लंबे टाइम से मेरे साथ से जु, साथ जुड़े हुए हैं राजू भाई तो राजू भाई अब आपको दिखाएंगे ये ट्रेनिंग्स का आप देखो अभी इसका ना स्टार्टिंग स्टेज है आ, ट्रेनिंग की ये हमने अभी कुछ राजू भाई ने अभी कुछ लगभग पंद्रह दिन से इस फीमेल को ट्रेन करना स्टार्ट किया है ये ब्लैक कलर की एलजे मेलनोवा फीमेल है ठीक है तो अभी इसको हिल में चलना और ये सारी चीज़ें राजू भाई करा रहे हैं एक डॉग और भी है हमारे पास जो इन्होंने ऑलमोस्ट का, काफ़ी ट्रेंड कर लिया है उस डॉग को तो उसके भी हम आपको वीडियोस वगैरह के लिए करेंगे आप कर सकते हो उसके वीडियोस भी अभी वो डॉग भी दिखाएंगे बाकी ट्रेनिंग का क्या है क्या कर रहे हैं वो राजू भाई ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं आपको ये मेलनोज है ये अभी क्या है कि बिगिनर है और अभी मेरे को 10 से 15 दिन ही हुए हैं इसको ट्रेंड करते हुए तो मैं टोटल जो बिहेवियर शेपिंग करता हूँ वो फूड से करता हूँ रिवॉर्ड मिलना बहुत ज़रूरी है डॉग को अगर रिवॉर्ड नहीं मिलेगा वो आपके लिए क्यों काम करेगा तो इसलिए इसको डॉग फूड से भी कर सकते हैं चिकन से भी ट्रेनिंग कर सकते हैं जो डॉग को पसंद है वो ट्रीट आप ट्रेनिंग में यूज़ करो ताकि डॉग में होप रहे मोटिवेशन हो अगर मोटिवेट नहीं होगा तो डॉग कभी भी आपके लिए काम नहीं करेगा आपने चाहे पर्सनल प्रोटेक्शन सिखाना है ओबिडेंस सिखाना है कुछ भी आपने उसको कोई भी आपका जो सनैरी है वो कराना उसके लिए आपको उसका रिवॉर्ड सेट होना चाहिए अभी जैसे आप अभी देखा मैं आपको ट्रेन कर रहे थे इसे क्या सिखा रहे थे आप अभी? सर अभी उसको बेसिक ओबिडेंस सिखा रहा हूँ हीलिंग चलना सिखा रहा हूँ डाउन सिखा रहा हूँ सिट सिखा रहा हूँ लेकिन हम मेरी जो ट्रेनिंग में फ, जो पहला मंथ होता है स्टार्टिंग होती है उसमें कोई मैं कमांड ऐड नहीं करता क्लिकर शेपिंग करता हूँ क्लिक मीन्स फूड क्लिक मीन्स फूड तो डॉग में होप होती है कि ओहो क्लिक हुआ आई एम राइट देन फूड तो मैं ये, ये उसको बता रहा था ओबिडेंस के लिए आप देखोगे पारस भाई राजू भाई इसको आ, ट्रेनिंग में जैसे ओविडेंस सबसे पहले अगर प्रोटेक्शन डॉग का ही ये हमारा प्रोटेक्शन डॉग है आ, सबसे पहले राजू भाई इसको ओविडेंस दिखा रहे हैं आपको क्योंकि तो किसी भी प्रोटेक्शन डॉग का सबसे पहले ओविडेंस अच्छा होना बहुत ज़रूरी है अब देखो अब राजू भाई इसको आ, आपको जो ओविडेंस करा रहे हैं आराम से उसको कोई मतलब नहीं किसी भी चीज़ से यहाँ पर इतने लोग ग्राउंड में खड़े हुए हैं वो अपने काम में मस्त है और तब तक वो किसी चीज के लिए उसको अलाउ नहीं करेंगे तब तक वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगा तो सबसे पहले वो उनकी कमांड का वेट करेगा हर चीज के लिए इनकी कमांड का वेट करेगा वो ठीक है तो अब दे, देखो इन्होंने ओविडेंस तब तक बोल उसको नहीं दी ये चीजें नहीं की तो वो अपनी ट्रेनिंग में मस्त उसको किसी से कोई मतलब नहीं यही इस ब्रीड की खास बात है काम करने के लिए पागल रहते हैं हमेशा बस इनको काम करने के लिए चाहिए मेरा यही मानना है जैसे फ़र्स्ट ऑफ ऑल ब्लड लाइन आपकी ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि डॉग आपके उस लायक है या नहीं है काम करेंगे या नहीं करेंगे तो ब्लड लाइन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है और सेकंड होता है आपने उस पर कितना काम किया आप कितनी मेहनत करते हैं काफ़ी लोग कहते हैं जी हम तो ट्रेनर से डॉग ट्रेंड कराते हैं हमारे डॉग ट्रेंड ही नहीं होते उनको बस मैं यही पूछना चाहूँगा आप खुद कितना टाइम देते हो आप जैसे अपने घर में छोटे बच्चे होते हैं आप अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने भेजते हैं उसके बाद आके देखते हैं ना उसने क्या किया है या क्या नहीं किया तो ऐसे ही इनके साथ है अगर आप इनको ट्रेनिंग कराते हो तो आपका खुद ट्रेनिंग में इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है सर जैसे कि आपने बताया कि खुद हमारा इन्वॉल्वमेंट होना भी जरूरी है तो काफी लोगों के मेरे पास फोन आते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है पर हम चाहते हैं हमारा डॉग ट्रेन हो सर देखो वो पॉसिबल नहीं है वो सारी चीजें वो आपको क्यों मानेगा डॉग वो आपको क्यों जानेगा वो तो अपने मास्टर की सुनेगा ना आप उसके लिए कुछ नहीं हो उसका मास्टर उसके लिए सब कुछ है क्योंकि सारी ट्रेनिंग सब सारी चीज़ें तो मास्टर ही कराता है ये लोग इस चीज़ों में गलतियां कर देते हैं अगर मेरा मानना फिर ये है कि अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है तो आप बेटर है कि फिर आप डॉग ना ही लें और अगर आपके पास थोड़ा टाइम आप निकाल सकते हैं ठीक है उतना टाइम नहीं है कि आप ट्रेनर के साथ जाके ट्रेंड करें डॉग को तो आप पंद्रह बीस मिनट बेसिक ट्रेनिंग आप खुद भी कर सकते हो अपने घर में जी। खुद भी कर सकते हो इतना आप अपने डॉग को खुद भी बना सकते हो तो कोई जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको अगर आपके पास टाइम नहीं है तो और टाइम नहीं है तो फिर ट्रेनर भी उसमें कुछ नहीं कर सकता ट्रेनर खुद कर देगा आप क्या करोगे बाद में वो तो ट्रे... आपका कुछ सुनने वाला ही नहीं है डॉग हमारी वीडियो अभी वो लोग देख रहे हैं जिन्हें बेजन मेलोनी पसंद है जी जी। और वो लोग भी देख रहे हैं जो इसे डॉग ब्रीडिंग बिजनेस करना चाहते हैं तो उनके लिए कोई मैसेज देखो सर जीने वेल्जियम मेलोइज पसंद है जो रखना चाहते हैं रखने के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर आप इनको टाइम दे सकते हो आपके पास खुला स्पेस है काफ़ी जगह है और आप खुद ही आपका जो लाइफ स्टाइल है उस तरह का है तो आप रख सकते हो ऐसा नहीं है कि नहीं रख सकते हो बड़े अच्छे नेचुरल गार्ड डॉग हैं ठीक है और जो लोग इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं मैं उनको बस यही कह कहना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले ब्रीड के बारे में समझें पढ़ें थोड़ा सा रिसर्च करें ब्रीड पे क्या है क्या नहीं है कोई एक दो जगह जाएं या देखें कहीं पे ब्रीड तभी इस ब्रीड्स के साथ आगे बढ़ें और अपनी जो ब्रीड स्टैंडर्ड हैं उनको कभी ना छोड़ें रीड स्टैंडर्ड को अपने फॉलो करें आप अगर एनिमल हजबेंड्री के अंदर किसी भी चीज को मैं इसी की बात नहीं कर रहा हूं किसी भी चीज को अगर आप एक बिजनेस की तरह ही सिर्फ देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप उसमें सक्सेस हो, हो पाओगे इसमें आपका पर्सनल इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है आपका अटैचमेंट होना जानवर से बहुत जरूरी है आप प्यार नहीं करते आप देखते नहीं आप सिर्फ बिजनेस की तरह से उनको देख रहे हो डॉग्स को या किसी भी चीज को एनिमल हजबेंड्री में तो मुझे नहीं लगता कि आप सक्सेस हो पाओगे तो दोस्तों ये थे हमारे साथ में अमित सर जिन्होंने हमें बेल्जियम के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी आशा करता हूं आपको यह जानकारी कुछ हेल्प देकर जाएगी जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद